अल्लाह को राजी करके दुनिया बनाओ तो तुम्हारी जन्नत का जरिया है। साद बिन उबादा फरमाया करते थे, या अल्लाह बड़े बड़े काम तो, बड़ी बड़ी नेकियां तो पैसे से होती हैं, किसी को आज़ाद करना, किसी का इलाज कराना, किसी की शादी कराना, किसी को घर बना के देना, तो अल्लाह मुझे रिस्क दे ताकि मैं तुझे राजी करने में खर्च करूँ, मुझे रिस्क दे मैं तुझे राजी करने में खर्च करूँ। लेकिन ये पीछे दो गलत जहन बने कि पैसा ही सब कुछ है, इसने दुनिया को आग लगा दी है, आग लगा दी है। एक आदमी अपनी अच्छी गाड़ी बनाने के लिए और अपना अच्छा घर बनाने के लिए हजारों बच्चों को नशे पे लगा देता है, उनकी जिंदगियां तबाह कर देता है, ये कभी सुखी रह सकता है? और अगर ये चार दिन मौज मेला कर भी लेगा तो क्या पीछे मौत नहीं, क्या आगे कब्र नहीं, क्या आगे हशर नहीं, क्या आगे अल्लाह के सामने खड़ा होना नहीं है, क्या ये दुनिया ऐसे ही चलेगी? नहीं नहीं नहीं, इस कायनात का एक खालिक है जिसका नाम अल्लाह है, मालिक है जिसका नाम अल्लाह है, इसका एक हुक्मरान है जिसका नाम अल्लाह है, एक हाकिम है जिसका नाम अल्लाह है, एक शहनशाह है जिसका नाम अल्लाह है, एक ज़बरदस्त ताकत है जिसका नाम अल्लाह है। मशरिक पर भी अल्लाह है और मगरिब पर भी अल्लाह है और शमाल जनूब पर भी अल्लाह है और आसमानों पर भी अल्लाह है और धरती पर भी अल्लाह है। अल्लाह की कसम, मेरा हाथ का यूं हरकत करने पर भी मेरे अल्लाह का कब्ज़ा है, मेरी ज़बान के बोल पर मेरे अल्लाह का कब्ज़ा है, मेरे यहाँ बैठने पर मेरे अल्लाह का कब्ज़ा है, तुम्हारे खिंच के आने पर अल्लाह का कब्ज़ा है, आसमान की छत मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है, ज़मीन का फ़र्श मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है, हवाओं के झोंके मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है, सर्दी का मौसम मेरे अल्लाह का इरादा है, गर्मी की तपिश मेरे अल्लाह का इरादा है, बादलों से पानी का गिरना मेरे अल्लाह का इरादा है, बर्फ़ का गिरना मेरे अल्लाह की बादशाही है, और तूफानों का आना, बिजलियों का चमकना, बादलों की गरज, मौसमों का तब्दील होना, दरख्तों के फल, फलों के जायके, जायकों में खुशबू, फलों में मिठास, फलों के ऊपर कवर छिलके, उनके रंग, उनके जायके, और थनों के अंदर दूध, और हिरन के नाफे में मुश्क, और सांप के मुंह में जहर, और मक्खी के मुंह में शहद, ये सब मेरे अल्लाह का इरादा है। आजाद हैं, मौत से लड़ के दिखाओ, आजाद हो जवानी को रोक के दिखाओ, आजाद हो बीमारी को रोक के दिखाओ, आजाद हो गम को रोक के दिखाओ। क्यों लोग शराब में डूबते हैं कि अंदर की वीरानियां उनको नशों में ले जाती हैं, उन वीरानियों को शराब से दूर करते हैं। अरे अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह को ढूंढो, मेरे अल्लाह का ऐलान है, नहीं नहीं पैसे से इत्मीनान नहीं मिलता। एक जन ये कि हम अपनी मर्जी पर चलेंगे तो हमें सुकून मिलेगा, अल्लाह की कसम जितना अपनी मर्जी पर चलोगे उतना तबाह होते जाओगे। मेरे अल्लाह का ऐलान अला 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 अला, सायरन बजता है तो हर आदमी के कान खड़े होते हैं कि क्या मसला हुआ, सायरन है, सायरन है। तो ये अरबी में अला एक सायरन है, जैसे सायरन की आवाज़ आती है तो एकदम भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, अला 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 सायरन बज रहा है, सायरन बज रहा है, सुनो 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 सुनो, क्या अजब बात है, अला बर्मिंघम वालों सुनो, अला नौजवानों सुनो, अला सारी दुनिया में बसने वालों, चाहे अल्लाह को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, सुनो क्या, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह को याद करोगे तो दिलों में ठंडक आएगी, वरना ऐसे ही सुलगते रहोगे, सिसकते रहोगे, तड़पते रहोगे। अल्लाह को पाओगे तो सब कुछ पाओगे, अल्लाह को खो दिया तो सब कुछ खो दिया, अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह ना मिला तो कुछ ना मिला। जिंदगी के बनने और बिगड़ने का ताल्लुक बाहर से नहीं, अंदर से है, अंदर। दिल दरिया समंदरों डूघे, कौन दिलां दियां जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े, विच्चे वंज मुहाने हो। और हमारा रब कहता है वफी अनफुसकुम अफला तुबसिरून, अरे अंदर देख,
अंदर देख, बाहर ना देख, अंदर देख, अंदर झांक। तो सब कुछ तेरे अंदर पड़ा है, बाहर नहीं है, अंदर है। इधर अल्लाह को बसा, फिर सूलियों पे चढ़ के मुस्कुराएगा, पेट पे पत्थर बांध के तुम हंसोगे, कांटों की सेज पर तुम्हें नींद आएगी, आग के अंगारों पर तुम फूलों के मजे महसूस करोगे, सूखी रोटी में तुम्हें अल्लाह ताला पराठे के मजे नसीब फरमाएगा। अल्लाह को तो पाओ, अल्लाह को तो पाओ।